वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पैदोवा के बारे में बात करूँगा। ये वर्ल्ड की 110 यूनिवर्सिटी है, 110, और इटली की ये सेकेंड यूनिवर्सिटी है। यानी ये आप कह लें कि ये टॉप की वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है और इटली की भी टॉप की यूनिवर्सिटी है। आज मैं बात करूंगा कि किस तरह बैचलर के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसमें बैचलर के कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मास्टर की बात करूंगा। जैसे आए चलते हैं, सबसे पहले आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे, सिंपली आप गूगल क्रोम पे जाके लिख लें यूनिवर्सिटी ऑफ पैदोवा अप्लाई ऑनलाइन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। एक पेज ओपन होगा, उस पेज के ऊपर आप सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट आपने फाइंड प्रोग्राम पे आ जाना है। फाइंड प्रोग्राम पे आने के बाद आपने यहाँ से अपना बैचलर को सिलेक्ट करके इंग्लिश को सिलेक्ट करके एकेडमी को आपने यहाँ से फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। जब आप फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस वक्त ये लिस्ट खुल गई है बैचलर के प्रोग्राम की, जो 6 प्रोग्राम है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है जिसमें आप इसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगी और इसकी ख़त्म होगी। आप देख सकते हैं इस वक्त एक की ओपन है, लेकिन बाकियों की जो है 7 जनवरी को ओपन होगी डेट इसकी नेक्स्ट मंथ में। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर आपने कौन किस तरह इसमें एडमिशन लेके, हर एक की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी थोड़ी डिफरेंट है। उसके बाद फिर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके बताऊंगा किस तरह आपने इसको फिल करना है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी फीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ इटली के अंदर वो डिपेंड करता है कि किस एरिए के अंदर यूनिवर्सिटी आ रही है। किसी यूनिवर्सिटी की फीस 400 होती है, किसी की 600, किसी की 1000, किसी की 2000। लेकिन इटली की यूनिवर्सिटियों की फ़ीस 2-3000 से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी तो वैसे ही फ़ीस ख़त्म हो जाती है, साथ उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है 6-7, 7-8 हज़ार यूरो साल की। अभी हम वो उसको रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं। अगर आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है तो वो थोड़ी सी 1000-2000 यूरो ज़्यादा होती है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। अगर एनिमल केयर के अंदर उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे इन्होंने देखें लिखा हुआ है कि 3 इयर्स का प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री एनिमल की है और इसके अंदर 30 यूरो। अच्छा, इसके अंदर आप 3 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं 30 यूरो देके। मतलब आप 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर। अभी हम नीचे आ जाएँ तो इसके अंदर इसका उन्होंने क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि वो आपको एडमिशन देंगे और एडमिशन के लिए आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इसका मतलब है इसके लिए कोई टॉक का टेस्ट नहीं चाहिए, कोई आईमैट कुछ नहीं चाहिए। वो सिंपली आपको इंटरव्यू देंगे और आपसे एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और मेरे ख्याल में इंटरव्यू भी इतना नहीं होगा, बेसिक सा इंटरव्यू होगा। वो आपको जज करेंगे, आपकी मेनली वो आपकी इंग्लिश को चेक करेंगे और तो कोई। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, चलिए हम दूसरे पर चलते हैं, फिर वहाँ से आपको मैं दिखा दूँगा जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हम चलते हैं वापस और सेकंड पे चले जाते हैं कि सेकंड प्रोग्राम के अंदर ये क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे दूसरा सेकंड प्रोग्राम है बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंटल हेल्थ। इसके अंदर हम चले जाएँ तो इसकी रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसकी भी 30 वो तो सेम ही सबकी होगी। आज देखें इसके अंदर उन्होंने टॉक टेस्ट मांगा हुआ है कि टॉक का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टॉक का टेस्ट हर महीने होता है और ऑनलाइन आप दे सकते हैं, पाकिस्तान में भी बैठे इसकी 30 यूरो फी है। इसके अंदर टॉक टेस्ट लाजमी है, आपको ये देना पड़ेगा वरना इसके बगैर आपका उन्होंने एडमिशन नहीं आपको इसके अंदर देना। या आपके पास ये हो या इसके अंदर आपको टॉक ही चाहिए, लेकिन सिर्फ इन्होंने टॉक का लिखा हुआ है और इन्होंने आईलेट्स वगैरह का इसके अंदर मैंशन नहीं किया हुआ। अच्छा, अभी हम चले जाते हैं तीसरे प्रोग्राम की तरफ। तीसरा प्रोग्राम अर्थ एंड क्लाइमेट, इसके ऊपर जाएं तो इसके ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। इसके अंदर भी इन्होंने टॉक लिखा हुआ है, टॉक आई, जैसे कि टॉक आई जो होता है इंजीनियरिंग के लिए होता है, जो ई होता है वो बिजनेस वालों के लिए होता है, जो एफ होता है वो फार्मेसी वालों के लिए होता है। तीनों आप ऑनलाइन दे सकते हैं जो टॉक के टेस्ट होते हैं। अच्छा, इसके लिए भी इन्होंने टॉक लिखा हुआ है, इसका भी आप देख सकते हैं। अभी हम चले जाते हैं एक और टेस्ट के ऊपर। जैसे हम आए हैं इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के अंदर, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी आपको टॉक आई चाहिए, इसके अंदर भी सेम रिक्वायरमेंट ही। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है कॉल फॉर एडमिशन, और दूसरा उन्होंने जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है इसको आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जो इस पेज के ऊपर आ जाएँ, इस पेज के ऊपर आने के बाद ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने अगर आपने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो हैं उन्होंने एडमिशन लेना होता है इसके अंदर
अपनी इंटरमीडिएट की बेस पे, उन्होंने मैट्रिक की बेस पे एडमिशन लेना होता है, तो इसलिए उनका वो एक टेस्ट लेते हैं या फिर वो उनसे इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करते हैं या उन्हें टॉक का टेस्ट देना होता है। तो इसलिए इसलिए उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड इतना होता है उसको वो काउंट नहीं इतना करते कि उसका कितना GPA वगैरह होना चाहिए। लेकिन अगर आप मास्टर में देखें तो देखें उन्होंने मैक्सिमम उन्होंने मिनिमम GPA कोई सेट करके रखा हुआ है कि आपके इतने बैचलर में से नंबर होंगे तो फिर ही आप मास्टर में आपको वो को एडमिशन देंगे। लेकिन इंटरमीडिएट वालों के लिए उन्होंने इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी होती। अगर आपका टॉप का टेस्ट अच्छा हो जाता है तो उन्होंने आपको एडमिशन दे देना है, चाहे आपके बैक पे अगर आपके नंबर इंटरमीडिएट वगैरह में कम भी हैं तो आपको उन्होंने एडमिशन दे देना है। अभी हम चले जाते हैं इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के ऊपर। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग के अंदर इनका क्या है, वहाँ पर भी इन्होंने टॉप का लिखा हुआ है उनकी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो सेम ही वही वही पेज ओपन होगा जो कंट्री वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जाके जैसे आप चेक कर सकते हैं, ये देखें पाकिस्तान का इन्होंने बस सिंपल लिखा हुआ है कि हायर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट स्कूल सर्टिफिकेट, ये बैचलर वालों को चाहिए। अभी हम चलते हैं वापस उसी पेज के ऊपर जिस पे हम पहले थे। यहाँ पे हम उसके बाद आने के बाद हम अपना लास्ट अपना आखिरी वाला नहीं इसके बाद ये हाँ एक आखिरी है जिसको हम चेक कर लेते हैं, एक दो रह गई हैं। अच्छा अगर हम साइकोलॉजिकल साइंस के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने आपका अच्छा इसके अंदर इन्होंने आपका एंट्री टेस्ट लेना है। इसके अंदर कोई टॉक का टेस्ट नहीं है और इन्होंने यूनिवर्सिटी खुद आपसे कोई टेस्ट कंडक्ट करेगी। इसके अंदर उन्होंने आज रिटर्न टेस्ट आपसे लेंगे और वो आपको बता भी देंगे किस तरह लेना है, स्काइप के थ्रू लेना है या किस तरह लेना है या क्या उसका तरीकाकार है, वो सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे मेल में। और मोस्टली वो लेते हैं आपसे वो कंप्यूटर के ऊपर ही ले लेंगे और आपको कुछ सैंपल इस तरह करके वो आपको चेक करेंगे बाकी सब स्टूडेंटों के साथ किस तरह आप दे रहे हैं। अच्छा अभी हम चले जाते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाले पे अब देख लें टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस। अच्छा इसके अंदर भी इन्होंने एंट्री टेस्ट रखा हुआ है, दो के अंदर इन्होंने एंट्री टेस्ट रखा हुआ है वो जो आपसे भी खुद कंडक्ट करेंगे। एक दो एक के अंदर इन्होंने टॉक रखा हुआ है, एक या दो के अंदर, और एक के अंदर इन्होंने रखा हुआ है कि आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जो पहला मैंने आपको बताया था जिसके अंदर उन्होंने एनिमल का लिखा हुआ है, एनिमल केयर का। अच्छा अभी हम चले जाते हैं कि आपने इसके अंदर अप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। उसके लिए आप यहाँ पे अप्लीकेशन माई अप्लीकेशन पे आ जाएं। माई एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ से मैंने देखे मैं इसके ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर कर चुका था इसलिए मैं आपको ये थोड़ा इसका सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे आने के बाद अभी मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा तो सेकंड में ऐड नहीं कर सकता इसलिए कि सेकंड अभी ओपन ही नहीं हुआ। लेकिन फ़र्ज़ किया अगर आपने एप्लीकेशन यहाँ पे अभी फिल कर दी है तो ये तो इसकी 2 फरवरी है, बाद में 7 मार्च को इसकी बाद में एक और डेट भी आ जाएगी, ठीक है, 7 जनवरी को। तो अभी इसकी जो डेडलाइन है वो 2 फरवरी तक है, तो आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लें या किसी और को भी 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप इसको सिलेक्ट करके अपनी फॉर्म अप्लीकेशन फिल कर लें अगर आपने किसी ने इसमें एडमिशन लेना है। लेकिन जो नेक्स्ट जो 2 चॉइसेस हैं उनको भी वो बाद में इसमें ऐड कर सकता है, इसलिए कि एप्लीकेशन ये ऑन रहेगी उस वक्त तक जब तक इन्होंने डेडलाइन लिखी हुई है। अच्छा अभी हम चलते हैं कि इसके अंदर फॉर्म जो फिल किया है उसका क्या तरीका है, ये देखें। अभी तो मैंने फिर फर्स्ट पहली अपनी चॉइस ही रखी है इसलिए कि अभी कोई ओपन नहीं हुई, तो उसके ऊपर मैं एडिट के ऊपर जाता हूँ। एडिट के ऊपर जाने के बाद मैंने अपनी प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल में आने के बाद ये देखें इस तरह करके आपने अपना नाम लिखना है, अपना पासपोर्ट इशू डेट और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, उसके बाद कंट्री मेल, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और नीचे आके आपने जब जहाँ जहाँ स्टार लिखे हुए हैं वह वहाँ वहाँ आपने उस फील्ड को लाजमी फिल करना है। जैसे यहाँ पे आपने पाकिस्तान यहाँ पे आके आप पाकिस्तान को लाजमी फिल करें, यहाँ पे पाकिस्तान। अच्छा करने के बाद कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे भी आगे आपने पाकिस्तान को करना है। अच्छा करने के बाद फिर आपने यहाँ पे आके अपने सेव एज कर देना है, आपने सेव एज कर दिया। उसके बाद अभी हम चले जाते हैं इसके नेक्स्ट के ऊपर, कॉन्टैक्ट के ऊपर। कॉन्टैक्ट के अंदर आके आपने अपना को अपना ईमेल एड्रेस लिखना है एग्जैक्ट वाला, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एड्रेस लिखना है, अपना स्काइप आईडी भी लिखना है ताकि उन्होंने जो अगर आपसे इंटरव्यू लेना हो अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखें, अपने हाउस नंबर यहाँ पे लिखें, अपना कोड लिखें, फिर यहाँ से कंट्री अपने को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से भी कंट्री सिलेक्ट करके फिर यहाँ पर भी इसको सेव ड्राफ्ट कर दें। सेव ड्राफ्ट करने के बाद नीचे आ जाएं एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन में तो नॉर्मली वो अगर उन्होंने आप मास्टर में एडमिशन लेते हैं तो वो बैचलर की सिर्फ डिग्री कंसीडर कर रहे होते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट
मास्टर में सिर्फ बैचलर की, और इंटरमीडिएट में अगर आपने बैचलर में लेना है तो सिर्फ इंटरमीडिएट की डिग्री आपको तो उसमें कंसीडर करेंगे। इसलिए आप यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री को ऊपर रख लें, अगर मैट्रिक की भी आपने लगानी है तो वो लगा दें, अगर नहीं लगानी तो उसमें भी उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लगा देंगे तो अच्छे अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे भी अपने सेलेक्ट करके स्कूल, अपने लेवल ऑफ एजुकेशन को सेलेक्ट करना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे, उसका एक्सपेक्टेड जब आपने कर लिया हुआ है उसकी डेट लिख देनी है, गो अपने स्कूल का नाम, उसके बाद स्टडी कितने साल की, 2 साल की, प्री आपने प्रोग्राम का नाम ले देना है, FSC प्री इंजीनियरिंग पाकिस्तान, इंटरमीडिएट अवार्ड, और उसके बाद आपने सारा, उसके बाद जो आप जितने आपने नंबर गेन किए और मैक्सिमम GPA जितना था, जितने में से नंबर आपने लिए, इसको करने के बाद भी इसको भी आपने सेव ड्राफ्ट कर देना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद लैंग्वेजेस आ जाती है, लैंग्वेजेस के अंदर मदर लैंग्वेज आपने उर्दू रख दी, उर्दू नेटिव उर्दू रख दी। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है लैंग्वेजेस को, मज़ीद लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे यहाँ पे आप कोई और लैंग्वेज भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप कोई करना चाहें तो, इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे आके आपने इंग्लिश को यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने कह दिया, यहाँ से आपने अपने चूज़ कर लेना है कि माई प्रीवियस अकेडमिक पाथ वाज डॉट इन, यहाँ पे TOEFL IELTS लाजमी नहीं है अगर आपका प्रीवियस, अगर आपने इंग्लिश में स्टडी की हुई है तो, वो आप यहाँ से प्रोफिशंसी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे अपने इंस्टीट्यूट से तो वो चल जाएगा। यहाँ पे आके आप 0-0 कर दें, इसको भी आप सेव एज ड्राफ्ट कर दें। अभी आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ, डॉक्यूमेंट्स जब आप यहाँ पे लोड करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। फिलहाल मैंने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप अदर में आ जाएं, अदर में आ गए, बस आप इसको फिल कर दें, आपको कहाँ से पता चला, आप यहाँ पे फेसबुक वगैरह लिख दें और बस चलेगा ये। उसके बाद चेक लिस्ट पे आ जाएं, चेक लिस्ट पे आने के बाद आपको ये बताएगा कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे अटैच करनी, जैसे यहाँ से आपने सेकेंडरी सेकेंडरी स्टडीज़ फाइनल डिप्लोमा आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने अपने डिप्लोमे को यहाँ से करके अटैच कर देना है, अटैच करके आपने इस तरह, ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि इसके लिए, जिसके लिए टॉक चाहिए उसके लिए टॉक आपको लाजमी साथ, अगर फर्ज़ किया अप्लीकेशन अभी आप दे सकते हैं लेकिन टॉक का जो होगा वो बाद में आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि वो आगे वो पूछेगा आपसे, वहाँ पे आप मेंशन, फिलहाल यहाँ पे आपने सिर्फ अपने डिग्री को यहाँ पे अटैच करना है सिंपली, वो बाद में आपको आगे पूछता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने अपनी डिग्री को अटैच करके तो यहाँ पे कर दें आई हैव फिनिश माई सेकेंडरी, और यहाँ पे टिक करने के बाद आई हैव फिनिश माई सेकेंडरी, इसको आई एम प्रिपेयरिंग माई डिप्लोमा फॉर सबमिशन माई फाइनल, नहीं अच्छा, अगर आप यहाँ से आई करंटली आई हैव अटैच माई सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल, अच्छा यहाँ से आगे आप इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ से अटैच कर दें, अटैच करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से अटैच करेंगे तो यहाँ से ये गुड का निशान हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने नहीं किया हुआ इसलिए वो नहीं आया, देखिए वो वापस उसी पे चला गया, लेकिन जब आप यहाँ पे अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद जैसे फंस गया, मैं यहाँ से कोई आपको चीज़ अटैच करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने देखें ये कवर लेटर को किया, कवर लेटर को मैंने अटैच किया, अटैच करने के बाद मैंने यहाँ से नीचे आके इसको यहाँ से टिक कर दिया, टिक करने के बाद ये देखें ये वहाँ से सेव हो गया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, डिलीट भी करना चाहो तो डिलीट भी कर सकता हूँ, इसलिए कि मैंने इसको सबमिट नहीं किया। अभी मैं पासपोर्ट पे आ जाता हूँ, पासपोर्ट पे आने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर देखिए मैंने कवर लेटर को यहाँ पे कर दिया, उसके बाद आई हैव अटैच्ड माई वैलिड पासपोर्ट, यहाँ पे इसको करने के बाद मैंने ये किया तो ये भी मेरा हो गया अटैच, ठीक है। ये भी देखें ये भी टिक हो गया। अभी अभी मैं करिकुलम के ऊपर आ जाता हूँ, CV के ऊपर, अच्छा CV का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख लें, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहाँ आप वहाँ जाके उसको चेक कर लें। लिखा हुआ है कि नॉट स्पेसिफिक फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, ऑल्सो द यूरो पास CV फॉर्मेट इज़ रिकमेंडेड, इसका मतलब है कि आप यूरो पास CV अगर आपके पास होगी तो वो बेटर है। अच्छा, यहाँ से जाके आप यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से फिर इसको क्लिक करके अटैच करके इसको भी आप ओके कर दें तो ये भी आपकी अटैच होगी। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद आपने टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट, इसको आप क्लिक करें, इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चूज़ कर दें सिंपल आई एम नॉन EU सिटीज़न, आई हैव नो इसको रहने दें, इसके बाद आई एम नॉन EU सिटीजन रेसिडिंग इन इटली, नो इसको आई एम नॉन EU सिटीजन बट माई कंट्री बिलोंग टू, नहीं आई एम नॉन EU सिटीजन
रिसाइडिंग आउटसाइड इटली दस आई डोंट हैव अ रेजिडेंट वेलिड, या इसको आप टिक करने के बाद इसको भी आप बस इस तरह करके इसको छोड़ दें, ठीक है, तो ये भी आपका टिक हो गया है। अभी हम नीचे आ जाते हैं, फाउंडेशन कोर्स 1 और 2 ईयर एकेडमिक स्टडीज़, आप इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएँ, आई हैव आई कंक्लूडेड माई, इसको रहने दें, इसके बाद आप इसको आई एम गोइंग टू कंक्लूड आई हैव आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई सेकेंडरी स्कूल वेयर द एजुकेशन सिस्टम लास्ट 12 ईयर, आप इसको करने के बाद यहाँ पे अपने डिग्री को अटैच कर दें, जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे वहाँ से इसको मैंने क्लिक किया तो इसको भी मैंने यहाँ से ये वाला अटैच कर दिया, ठीक है, इसको अटैच करने के बाद ये भी अटैच मेरा हो गया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आने के बाद जैसे आपने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक करने के बाद आपने नीचे आगे यहाँ पे सिंपली ये कह देना है कि जो मेरी स्टडी है वो 12 ईयर्स की यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आपने यहाँ पे आगे कुछ अटैच नहीं करना, इसलिए कि आपने ऑल आपकी आप इसलिए कि ये उनके लिए जिनकी स्टडी कम होती है तो बाद में फिर वो अपना कोई सर्टिफिकेट वगैरह 1 साल का करके तो अपने उस साल को पूरा करते हैं 12 को, आपने पहले ही 12 ईयर्स की स्टडी की हुई है तो आप यहाँ से सिंपली यहाँ पे टिक कर देंगे तो वो वहाँ से वो कैन वहाँ से भी गुड का निशान आ जाएगा। अभी आप इंट्रेंस यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आप आगे क्लिक करें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जाम अपने कंट्री के अंदर भी दिया हुआ है, NTS वगैरह का, अगर वो इस NTS वगैरह का एग्ज़ाम होता है जो पाकिस्तान में होता है, अगर आपने वो उसमें से किसी ने वो दिया हुआ है और उसका उसके पास रिकॉर्ड है तो वो यहाँ पे अटैच कर दे, या कोई और यूनिवर्सिटी जो उसके अंदर उसने एडमिशन लेना था तो उसने वहाँ का टेस्ट पास किया हुआ है, जैसे कोई सैट का एग्ज़ाम किया हुआ है या किसी और का, तो वो यहाँ पे अटैच कर दे, अगर नहीं किया हुआ कुछ नहीं है तो यहाँ से फिर उसको यहाँ से इसको टिक कर दे इन माई कंट्री विद द, या इसको कर दे आई हैव अटैच द सर्टिफिकेट टेस्टिंग पासिंग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, आई डोंट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स गिवन योर एप्लीकेशन विल नॉट बी फर्दर, अच्छा ये उसके आई एम करंटली स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ हाई स्कूल, अच्छा एट द एंड ऑफ द सेकेंड, अच्छा इसके बाद आई 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 टुक द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम आई एम प्रिपेयरिंग, अच्छा इस अगर आपने किसी को एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं तो यहाँ पे कर दें, अगर आपने करंटली अगर आप फाइनल ईयर के अंदर अभी स्टडी कर रहे हैं तो फिर इसको टिक कर दें, और अगर आपने कोई अटैच कर दिया है, अगर आपको ऑलरेडी आई हैव अटैच द सर्टिफिकेट तो यहाँ पे करके तो साथ उसको अटैच कर दें, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको अटैच नहीं कर रहा आई एम कंटी वेद, इसलिए कि वो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, यहाँ से इसको करेंगे अटैच तो फिर वो यहाँ पे हम जाके इसको यहाँ से टिक कर सकते हैं। अच्छा इसको भी करने के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आने के बाद आपने यहाँ पे लिखा है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, आई हैव नॉट अटैच द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ माई लास्ट 2 ईयर्स सेकेंडरी स्कूल येट, अच्छा इसके उसको करने के बाद अगर आपके आपके पास कोई ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का रिकॉर्ड भी है कोई अलहदा से तो वो भी आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं, आई हैव अटैच द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ माई लास्ट 2 ईयर्स ऑफ सेकेंडरी, आई हैव नॉट अटैच माई ट्रांसक्रिप्ट, अच्छा यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पे जाके क्लिक करके तो यहाँ से भी आप उसको अटैच कर सकते हैं, मसलन कि अपने ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी होगी इंटरमीडिएट की उससे यहाँ के दोनों को आप यहाँ पे जाके अटैच कर दें, ऊपर भी आप कर दें यहाँ पे भी कर दें, सेम ही कर इसको कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी वर्ल्ड के लिए ये पूछ रहे हैं, किसी जगह पे कई सिस्टम चलता है किसी जगह पे कोई सिस्टम चलता है, तो आप यहाँ पे भी जाके अपने इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेट है और मैट्रिक है उसको यहाँ पे जाके अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे उसी को अटैच कर दें और फिर यहाँ से टिक करके इसको ओके कर दें, ये भी फिर जो निशान है ये गुड का हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आने के बाद नीचे आ जाएँ, नीचे आ जाएँ ट्रांसलेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल, अगर आपने कोई ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन ये उन लोगों के लिए जिनके यहाँ डिप्लोमा, जैसे कोई फ्रांस का है या कोई जर्मनी का है तो उसका डिप्लोमा, या कोई अफ्रीका के कंट्री में है तो उसका डिप्लोमा किसी और लैंग्वेज है, तो आप उसने यहाँ पे आगे ट्रांसलेशन करनी है यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ इसको टिक कर दें, मैं फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो था वो ऑलरेडी था इंग्लिश के अंदर था एक्सेप्टेड लैंग्वेज, तो इसको क्लिक करें, आपको यहाँ पे कोई चीज़ अटैच करने की जरूरत नहीं, आप इसको भी छोड़ दें, यहाँ पे भी टिक हो गया। अच्छा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, अच्छा ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे भी आने के बाद, जब यहाँ पे तो इसने आना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे अटैच करेंगे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ, जैसे मैं फ़र्ज़ किया इसको ही फ़िलहाल कर देता हूँ, तो देखें अब वहाँ पे आ गया है, तो अब इसने वहाँ पे वो गुड का निशान जो है वो ख़त्म कर देगा, ये देखें अभी इसने ख़त्म कर दिया है, अभी मैं फिर इसको भी टिक कर देता हूँ, देखें ये सारे टिक हो गए हैं, इसको आप प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशंसी इसको भी आप क्लिक करके तो यहाँ पे अपना जो है वो स्कूल का सर्टिफिकेट इंटायरली स्टडी इंग्लिश यहाँ पे क्लिक करें आप,
पहले आप यहाँ से इसको सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करें, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे क्लिक करके तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अभी हम चले जाते हैं, ये इन्होंने मोटिवेशन लेटर का जो दिया हुआ है, मोटिवेशन लेटर पे भी यहाँ पे देखें इन्होंने नॉट स्पेसिफिक फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड, ऑल्थो द यूरो पास कवर लेटर फॉर्मेट इज़ रिकमेंडेड। ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है यूरो पास जो है वो रिकमेंड। अगर आप उसके ऊपर, मैंने ऑलरेडी एक सीवी बनाई हुई है अपनी, एक वीडियो वो जाके आप देख लें तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे भी जाके, यहाँ पे भी आप सेम आपने जाके उसी तरह उसको अटैच कर देना है और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी यहाँ पे टिक का निशान ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अभी हम आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद देखें यहाँ पे उन्होंने टॉप टेस्ट का रिजल्ट दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर तो आप किसी उसमें कोर्स में एडमिशन है जिसके अंदर टॉप का टेस्ट उन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है, तो जो मैं कह रहा हूँ कि उसका टेस्ट आप ऑनलाइन हर माह दे सकते हैं, तो अगर तो आपने दे दिया है या वेट कर रहे हैं तो यहाँ से उसके हिसाब से उसको टिक कर लें। आई एम वेटिंग टू डू द टेस्ट है, यहाँ से टिक कर दें, आई हैव डन। तो अगर आपने दे दिया है तो यहाँ पे टिक करके फिर उसको नीचे उसको आप अटैच भी कर दें, वरना आप इसको टिक कर दें। इसको टिक करने के बाद आप आई एम वेटिंग, फिर उसके बाद आ जाएं, ठीक है। ये इसलिए ये लाजमी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इन्होंने सर्कल नहीं बनाया हुआ। फिर नीचे आ जाए, नीचे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लाजमी है इस सूरत में कि जो इस वक्त जो आप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए टॉक का टेस्ट लाजमी है, आई जो इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है, तो आपने इसमें से लाजमी है, इसलिए उन्होंने टिक कराया। आई हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द टेस्ट, इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है आपने, या फिर आप आई हैव अटैच द प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे, इसको करने के बाद आप यहाँ पे जाके आपने लाजमी इसको प्रूव करना है कि आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है, तब भी आपका इसकी रजिस्ट्रेशन जा रहा है। आपने ऑनलाइन करवानी है, अगर आप ऑनलाइन जब करवाएंगे तो यहाँ पे आगे फिर आपने यहाँ पे अपना वो फॉर्म जो है वो अटैच करना है, जो आप ऑनलाइन करेंगे तो 30 यूरो पे करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन की एक स्लिप ऑनलाइन आ जाएगी ईमेल में, वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो है इसको करके तो इसके अंदर मैं इसी को अटैच कर दूंगा, तो इसको यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो ये मेरा ये भी इसको इसने क्लियर कर देगा। देखें इसके अंदर भी मेरा इसने ये क्लियर कर दिया कि आपने टॉकी स्टेशन भी हमें दे दी है। बाकी जो है ये लीगलेशन ऑफ अपर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा ये और एडवांस प्लेसमेंट, इसको आप रहने दें, इसलिए कि यहाँ पे नहीं है ये, इतना बाद ये बात की चीज़ है। अगर आपने जो लीगलाइजेशन वगैरह करवानी है कि वो इक्वल आपके है, वो किस तरह इक्वल है, उसके बाद वो एम्बेसी वगैरह से बाद में पहले सबसे आपको वो क्लियर कर दें कि आपका एडमिशन वो दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद सारा प्रोसीजर आप बाकी भी कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।